हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? आशा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है हैंड टूल्स से रिलेटेड, यानी टूल्स से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग करेंगे। ये ALP CBD 2 टेक्नीशियन के लिए है, ठीक है? और ये ऑल ट्रेड है, चाहे आप किसी भी ट्रेड से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ऑल ट्रेड के लिए ये टॉपिक जो है कि कॉमन है सभी के लिए। हमने कॉमन ट्रेड के लिए कई टॉपिक अभी इस बनाए हैं जिसको मैंने प्लेलिस्ट में दिया है, कम से कम दो तीन टॉपिक बनाया है। इसके अलावा RAC का, हाँ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, मटेरियल साइंस से मिल जाएगा, जिसमें आपको मटेरियल के बारे में सब कुछ जानकारी दिया गया है। और ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? और RAC के बाद आप जो है कि डीजल मैकेनिक, टर्नर वेल्डर, ETC के जितने भी लोग हैं ऑटोमोबाइल, उनके लिए भी इस पर प्लेलिस्ट में सब कुछ उपलब्ध है। पहला क्वेश्चन है, भार उठाने में कम शक्ति होती है, मतलब भार उठाने में जिसमें कम पावर का यूज होता है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, मैकेनिकल जैक, हाइड्रोलिक जैक, पुलर द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चार ऑप्शन हैं। कम शक्ति की बात की तो सबसे कम जो लगेगा वो हाइड्रोलिक जैक में, ठीक है? बाकी मैकेनिकल जैक, पुलर, सब में कम ही लगेगा, लेकिन हाइड्रोलिक जैक में सबसे कम लगेगा, ठीक है? नंबर टू क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कीले निकालने के लिए प्रयोग होता है किसका? तो कीले निकालने के लिए हम जो कि पिंसर का प्रयोग करते हैं, इसका सही आंसर बी होगा। तीसरे नंबर पर है, घड़ी साज प्रयोग करते हैं, तो घड़ी साज जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं उसका नाम होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा घड़ी साज का सी वाला, पिन वाइस, ठीक है? और अगला क्वेश्चन, हम चौथे क्वेश्चन पढ़ें बढ़ें, इससे पहले बता दें कि बहुत बिल्कुल हिंदी में शुद्ध हिंदी है तो आपको थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन आप इसकी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अगर आपने पेपर हिंदी में डाला होगा तो इसी तरीके के वर्ड आपको मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, कि एक से अधिक छोटे भागों को पकड़ते हैं, तो जो एक से अधिक छोटे भाग जो होते हैं उसको पकड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वाइस का, बेंच वाइस का, इनमें से कोई नहीं, सी क्लैंप। तो इसका सही आंसर होगा सिली क्लैंप, क्लैंप, सी क्लैंप का ही जो है कि हम एक से अधिक छोटे भागों को पकड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि स्ट्रेट पिन हैमर से क्या करते हैं? तो उससे चैनल ग्रूव बनाए जाते हैं, गहराई बनाई जाती है, सीट समतल की जाती है, एंगल सीधे किए जाते हैं। चार ऑप्शन है पाँचवा नंबर में, अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, जो पाँचवा नंबर का सही आंसर होगा वो सी होगा, सीट समतल की जाती है। स्ट्रेट है, स्ट्रेट मतलब सीधा, सीधा पिन हैमर से क्या किया जाता है? सीट को समतल किया जाता है। आप स्ट्रेट से समझ सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है? ओके, चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर छठवां आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, छठवां है, रिवेट के हेड को बनाने में किसका प्रयोग होता है? रिवेट के हेड को बनाने में जो प्रयोग होता है वो किस टाइप का हैमर होता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, बाल पिन हैमर, ठीक है? तो रिवेट के हेड को बनाने में जो हम प्रयोग करते हैं वो बाल पिन हैमर होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, छह पहल हेड बोल्ट के लिए उत्तम है। छह पहल क्या होता है? जो सिक्स उसके जो जो डाया होती है सिक्स एंगल की, देखिए जो इस तरीके से आपका डायगोनल जो खींचा होता है, ये इसके लिए पूछ रहा है, छह पहल उसी को कहते हैं, ठीक है? तो इसको हेड बोल्ट के लिए कौन सा उत्तम होता है, कौन सा उत्तम होता है, मतलब जो स्पैनर की, तो इसके लिए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सातवां का वो हो जाएगा बी, रिंग स्पेनर। तो रिंग स्पेनर जो होता है वो इसके लिए बहुत सही माना जाता है, ठीक है? आठवां क्वेश्चन है, चौकोर हेड बोल्ट नहीं खोले जा सकते। चौकोर हेड बोल्ट जो होते हैं इस तरीके के, वो किससे नहीं खोले जा सकते? तो इसका सही आंसर हमारा आठवां का हो जाएगा ए, सॉकेट स्पेनर। सॉकेट स्पेनर से वो नहीं खोले जाते। इसके अलावा अन्य जितने भी है, जैसे DI स्पेनर यहाँ पर दिया हुआ, तो इसके द्वारा खोला जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगवान के लिए। सामान्य रूप से प्रयोग होता है, तो सामान्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑप्शन को पहले पढ़िए, स्लिप जॉइंट प्लस, कॉम्बिनेशन प्लस, गैस प्लस, लॉन्ग नोज प्लस। जो सामान्यतः जो हम लोग प्रयोग करते हैं अपने घरों में भी, कई लोगों के पास होगा प्लस, तो उसका क्या मतलब होता है, ठीक है?
तो ये होता है कॉम्बिनेशन प्लस, जो सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, ये हैंड टूल से रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑल ट्रेड कॉमन टॉपिक है। बहुत सारे एग्जाम में ये इससे एग्जाम बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ तक कि आईटीआई का जो एनुअल एग्जाम होता है एनसीवीटी के द्वारा, उसमें भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी आईटीआई में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी आगे हम 10-5 क्वेश्चन देखेंगे, आपको बताएंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, पेचकस का प्रकार नहीं है, बताइए इसमें से कौन सा? ऑफसेट, रैचेट, फिलिप्स, मर्फी। तो जो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मर्फी जो है कि पेचकस नहीं होता है, बाकी रैचेट, फिलिप्स, ऑफसेट इस सबको जो कि पेचकस की तरह हम जो कि यूज करते हैं। ठीक है, तो 10वां का हमारा जो है कि आंसर इसमें डी हो जाएगा। ओके चलिए, हेक्सागोनल हेड की बात हो रही है, नट बोल्ट को खोलने और कसने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? वही जो 6 पहल की अभी मैंने बात की, 6 पहल का मतलब ये हेक्सागोनल होता है, तो इसका 11वां का सही आंसर ये हो जाएगा, रिंग स्पैनर, यानी हेक्सागोनल हेड नट बोल्ट को खोलने और कसने के लिए सबसे उपयुक्त जो होता है वो रिंग स्पैनर होता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने आ गया है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 12वां जो हमारा है कि चौकोर हेड के नट बोल्ट नहीं खोले जा सकते। अभी इससे पहले हमने फोर हेड की जो बात की थी वही है, फोर हेड या चौकोर हेड, तो दोबारा क्वेश्चन ये भी आ गया, कोई बात नहीं कर लेते हैं। 12 नंबर का आंसर होगा साकेट स्पैनर द्वारा। तो साकेट स्पैनर द्वारा जो है कि हम इसको नहीं खोल सकते हैं, और बाकी जो भी है डी स्पैनर, सिंगल ओपन, एंडेड स्पैनर और एडजस्टेबल, तो इन सब से हम खोल सकते हैं, लेकिन सॉकेट स्पैनर से हम नहीं खोल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको बिल्कुल ही आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, अभी पूछे गए क्वेश्चन जो एग्जाम में जो है एनसीवीटी में उसको हम लोग करेंगे, तो उसको ज़रूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे अधिक कौन से प्लस का प्रयोग होता है? तो 13वां का हमारा आंसर हो जाएगा, जो सबसे अधिक जो है कि जिस प्लस का प्रयोग हम करते हैं उसका नाम है कॉम्बिनेशन प्लस। ओके, ये 3 क्वेश्चन रिपीट हो गए, कोई बात नहीं, इसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, हैमर की साइज किससे ली जाती है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हैमर की साइज 14वां को देखिए, आई थिंक आपने सोच लिया होगा। ऑप्शन ए है हैंडल की लंबाई से, बी भार से, सी आकार से, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो 14 का होगा वो होगा बी भार से। तो हैमर की साइज जो ली जाती है वो भार से ली जाती है। ओके चलिए आगे देखते हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उसमें बहुत सारी वीडियो हैं, इसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स वो भी चेक कर सकते हो, उसमें भी मैंने बहुत सारे लिंक दे रखी है। ओके चलिए आगे देखते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि सूक्ष्म जाबों को पकड़ने के लिए, जो छोटे जॉब्स बनाए जाते हैं उनको पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मशीन वाइज, पाइप वाइज, पिन वाइज, हैंड वाइज। तो 15 का हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा डी, पिन वाइज, यानी पिन वाइज का प्रयोग हम जो है कि सूक्ष्म जाबों को पकड़ने के लिए करते हैं। ओके चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा हमारी स्क्रीन पे आता है। हाँ, तो 16 नंबर 16वां क्वेश्चन आ गया है, होइस्ट का धीरे धीरे नीचे आने का क्या कारण है? होइस्ट का अगर आपने पढ़ा होगा हैंड टूल्स में जो है कि, हैंड टूल्स में अगर आपने पढ़ा होगा तो होइस्ट क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी होगी। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो सील के टूटने से वायु दबाव का लीक होना, शक्ति कट जाती तथा वायु दाब समाप्त हो जाता है, सील लीक होकर जल दाब समाप्त हो जाता है, सील लीक होकर वाहन का दबाव समाप्त हो जाता है। तो करीब 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर जो होगा 16 नंबर का वो ऑप्शन ये होगा, वोइस्ट के अंतर्गत क्या होता है इसमें, सील के टूटने से वायु दबाव का लीक होना वोइस्ट का धीरे धीरे नीचे आने का कारण होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 70 हमारे जो है कि कौन सा स्क्रीन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 70 हमारे स्क्रीन पे आ गया है, 70 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पाइपों को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी पाइप को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये भी दोबारा आ गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, हमें लग रहा है मिसप्रिंट है, तो दोबारा आ रहा है तो देखते रहिए क्या करना है। तो इसका जो है कि पाइपों को पकड़ने के लिए पाइप वाइज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कौन सा जो है कि क्वेश्चन हमारे सामने आता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 18 नंबर है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप जरूर नोट डाउन कर सकते हैं। एक गोल छड़ को ड्रिलिंग के लिए धारण करने के उपयुक्त युक्ति का मतलब, कोई गोल छड़ है उसको ड्रिलिंग करना है तो उसके धारण पकड़ने के लिए जो है कि यानी होल्डिंग डिवाइस कौन से उपयुक्त है, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कि क्वेश्चन है। और इस सही आंसर होगा बी ब्लॉक। बी ब्लॉक पर कोई भी गोल चीज़ होती है राउंड वाले, तो इसको बी ब्लॉक पे ही करते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारे स्टार्ट होता है ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में NCVT के पूछे जा चुके हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको ज़रूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है, ठीक है। चलिए तो आपकी स्क्रीन पर आ गया पहला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। आपने हैमर को देख लीजिए, निम्न हैमर को पहचानिए, ये कौन सा, आपने शायद हैमर देख लिया होगा, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए किस टाइप का हैमर है। अब इसके बाद इसके ऑप्शन नीचे हम चलते हैं देखते हैं, ये रहा आपके सामने ऑप्शन और हैमर भी दिख रहा, ये कौन सा जो है कि हैमर है। तो ऑप्शन इसका ए है लीड हैमर, ठीक है। ऑप्शन बी है प्लास्टिक हैमर, ऑप्शन डी है रबर हैमर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर जो होगा 19 नंबर का वो ऑप्शन डी होगा, रबर हैमर, ये रबर हैमर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। NCVT 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपके सामने एक स्पैनर है, स्पैनर को देख लीजिए और इसको पहचानना है कि कौन सा स्पैनर है। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको पहचानना है, ठीक है। निम्न स्पैनर को पहचानिए, इसको ऑप्शन आपके सामने आ गया है, ठीक है। तीन ऑप्शन दिया हुआ है सामने, आप इसको पहचानना है। तो ये कौन सा है 2015 अगस्त में NCVT में, रिंग स्पैनर, ओपन एंड स्पैनर, इसके बाद रिंग एंड ओपन एंड स्पैनर, ठीक है। ओपन एंड का मतलब है इंड से रिलेटेड है, इंड जैसे बोलते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, रिंग एंड ओपन इंड स्पैनर। देखिए यहाँ पे रिंग भी बना है, रिंग टाइप और ये ओपन टाइप, ठीक है। तो इसलिए ये रिंग एंड ओपन स्पैनर ये हो जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, ये पहचानना है कि ये कौन सा स्क्रू ड्राइवर, यानी जो पेचकस होता है उसी को इंग्लिश में स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। तो ये चित्र देख लीजिए, उसको पहचान के बताइए कि कौन सा है। देखिए ऑप्शन है स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी फिलिप, ऑप्शन सी क्लच, ऑप्शन डी जो है कि रीड एंड प्रिंस स्क्रू, ठीक है। तो पहचानिए कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर इसका होगा रीड एंड प्रिंस स्क्रू, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेंडर ब्लॉक में वाल्व गाइड फिट करते समय ब्रास हैमर का प्रयोग क्यों किया जाता है। ये देखिए NCVT फरवरी 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन ए ब्रास हैमर हल्के होते हैं, ऑप्शन बी पार्ट की सतह पर चिन्ह नहीं बनते, ब्रास हैमर से प्रभाव बेहतर होता है, पुराने हैमर की रीसेल वैल्यू अच्छी होती है। तो 22वां का जो सही आंसर होगा वो बी हो जाएगा, पार्ट की सतह पर चिन्ह नहीं बनते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे जो अब मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन पूछे गए। 23 नंबर का आपकी स्क्रीन पर है, बालपिन हैमर का कौन सा हिस्सा अधिक कठोर होता है, ठीक है। तो वेज, फ्रेम, चिक, आई होल। तो 23 नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा फ्रेम। बालपिन हैमर का फ्रेम सबसे अधिक कठोर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। और एक क्वेश्चन है एलन रिंच का प्रयोग होता है, एलन की के बाद की जा रही है, एलन रिंच जो है कि 2016 में ये पूछा गया है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, साकेट हेड स्क्रू को रिमूव करने के लिए एलन रिंच का प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, पाइप या बेलनाकार चीज़ों को कसने या ढीला करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। NCVT अगस्त 2017 में ही पूछा है कि पाइप या अन्य बेलनाकार चीज़ों को कसने या ढीला करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं। तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, चैन रिंच, जो चैन की रिंच होती है जिसमें चैन लगा होता है, पाइप या बेलनाकार चीज़ों को कसने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप लोग गाँव में भी देखे होंगे, चैन एक रिंच होता है, एक बड़ा सा उसमें चैन लगाया गया था, उसी से पकड़ के गोले कर वस्तुओं को कसा जाता है। जैसे नल वल जो गांव में बोरिंग वोरिंग करने के लिए लोग मिस्त्री आते हैं, वो सब लिए रहते हैं, आपने देखा होगा, वही बात हो रही है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके
स्क्रीन पर आ चुका है कि बहुत कम उपयोग में आने वाला प्लायर जिसे डक बिल प्लायर भी कहा जाता है, ये भी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 26 नंबर का जो सही आंसर होगा वो बी हो जाएगा कि बहुत कम जो यूज किया जाता है वो स्लिप नोज प्लायर का जो उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर 27 नंबर है कि हथौड़े प्रकार के होते हैं, मतलब बीच में खाली है उसको भरना है, तो हथौड़े कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हैमर हथौड़े होते हैं वो करीब करीब 6 प्रकार के होते हैं। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ये अगस्त 2017 में पूछा गया है। चलिए थैंक यू, फिर आज के लिए हैंड टूल्स का 27 क्वेश्चन कंप्लीट हमने किया। आगे भी इसका हम पार्ट लेकर आएंगे, हैंड टूल्स के कुछ इंपॉर्टेंट 30-40 क्वेश्चन और। ठीक है, और दोस्तों अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन है, उसको आप सब्सक्राइब क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा हमारा चैनल। बगल में एक बेल आइकन होगी, उसको दबा दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो तुरंत जो आपको मिल जाए। और इसी वाले जो हमारे फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल आप थोड़ा सा आप निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा रुकिए, मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का कलेक्शन कर रहा हूँ। मैं जल्दी 50 क्वेश्चन और आपको दूंगा। ओके, थैंक यू।